आलू भुजिया बनाने के लिए हमने बारीक बारीक आलू काट लिया है, सोयाबीन को भिगो दिया है, उसमें थोड़ी सी हमने प्याज काटा है, उनको हमने गर्म करने के लिए रख दिया है निचोड़ के। इसको भून लेंगे अच्छे से। गई है उसको लेंगे, थोड़ी ज्यादा करेंगे क्योंकि भुजिया सब्जी है ये। तेल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे जीरा प्याज मिर्च लहसुन, ये अच्छे से भून चुकी है प्याज मिर्च लहसुन। इसमें डालेंगे कटे हुए आलू, आलू में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए नहीं तो आलू गल जाएंगे। मीडियम गैस पर पकाएंगे, थोड़ी सी मैं हाई कर देती हूँ आधे सेकंड के लिए, उसके बाद मीडियम कर देंगे। मैं भूजे हुए सोयाबीन डाल देंगे जो हमने भूजा था, इसको भी मिला लेंगे इसमें। और नमक हल्दी हम अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे, तुरंत डालेंगे तो सब्जी गल जाएगी, आधी सब्जी पकने के बाद ही डालेंगे। इसको हल्के हाथों से चलाना होता है, ज़्यादा हम दबा दबा कर चलाएंगे तो सब्जी टूटने लगेगी। मसाले में लिया है हल्दी नमक आमचूर पाउडर लाल मिर्च पाउडर, सारे मसालों को डाल देते हैं। इसको हल्के हाथों से फैला लेंगे, हमारी सब्जी तैयार हो गई है।